हेलो दोस्तों, आज हम वायुमंडल और उसके परतों के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं अपन वायुमंडल। ठीक है, सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं कि वायुमंडल क्या होता है। पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का आवरण होता है उसको वायुमंडल कहते हैं। जो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण पृथ्वी के साथ संलग्न है, यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों के अवशोषण और ग्रीन हाउस प्रभाव द्वारा दिन व रात के धरातल के तापमान को संतुलित रखकर पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करता है। ठीक है, एक तो क्या करता है कि जो हानिकारक किरणें आती हैं पराबैंगनी किरणें सूर्य के द्वारा उनको अवशोषण करता है, और ग्रीन हाउस प्रभाव द्वारा जो पृथ्वी पर प्रभाव पड़ते हैं ना धरातली प्रभाव, उसको संतुलित करके जीवन की रक्षा करने का काम करता है वायुमंडल। आगे देखिए वायुमंडल का संगठन। ठीक है, वायुमंडल का संगठन निम्न की तत्वों से बना। सबसे पहले गैस से आती है जलवाष्प और धूल कण। ठीक है, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, 28% ऑक्सीजन, 0.93% आर्गन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड अल्प मात्रा में हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, नियान, जेनान आदि गैसें उपस्थित होती हैं ना। सबसे ज़्यादा जो होता है वायुमंडल में N2 होता है। ठीक है, उसके बाद O2, उसके बाद आर्गन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और अल्प मात्रा में हीलियम, हाइड्रोजन, ओजोन, नियान, जेनान आदि गैसें उपस्थित होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। वायुमंडल में जल वाष्प मात्र 3 से 5% होती है। जो वायुमंडल होता है उसमें वाटर वेपर जो होता है 3 से 5% होता है, जिसकी प्राप्ति मुख्य रूप से महासागरों, जलाशय आदि के वाष्पीकरण से होती है। ठीक है, जिसकी प्राप्ति कहाँ से होती है? महासागर, जलाशय आदि से। जल वाष्प की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर घटती जाती है। ठीक है, जैसे अपन भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाएंगे तो जल वाष्प की मात्रा घटती जाती है। जल वाष्प के कारण ही बादल, कोहरा, पाला, वर्षा, ओस, हिम, ओला, हिमपात होता है। ठीक है, ये सभी जो वायुमंडलीय घटनाएं, बादल, कोहरा, पाला, वर्षा, ओस, हिम, ये सभी वायुमंडलीय घटनाएं है जो हैं जलवाष्प के कारण ही होती हैं। वायुमंडल में ओजोन परत सूर्य से आने वाली मानव जीवन के लिए हानिकारक पराबैंगनी किरणों की 93 से 99% मात्रा को अवशोषित कर पृथ्वी की सतह तक आने से रोक लेती है। ओजोन की परत की खोज 1913 में फ्रांस के वैज्ञानिक फेब्री चार्ल्स और हेनरी पूसान ने की थी। ठीक है, ओजोन परत की खोज किसने की थी? फेब्री चार्ल्स और हेनरी पूसान ने। कब? 1930 में। ठीक है, वायुमंडल में धूल कण, खनिज कण, पराग कण, जलवायु ज्वालामुखी राख आदि कण भी पाए जाते हैं। इन्हें एरोसोल भी कहा जाता है। ठीक है, जो ज्वालामुखी राख है, धूल कण है, इन्हें सबको एरोसोल्स भी आगे देखते हैं एरोसोल भी कहा जाता है। इनके अभाव में वायु बादलों का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि इन्हीं के सारे जलवाष्प एकत्रित होती है, इसलिए इन्हें आर्द्रताग्राही नाभिक कहते हैं। जो एरोसोल्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आर्द्रताग्राही नाभिक। ठीक है, देखिए वायुमंडल की संरचना देखते हैं अपन। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल की पृथ्वी से लेकर उसके ऊपरी स्तर तक 5 स्तरों में बांटा, 5 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है शोभ मंडल, या जिसको ट्रोफोस्फीयर बोलते हैं, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर, मध्यमंडल मीजोस्फीयर, तापमंडल थर्मोस्फीयर और बाह्यमंडल, ठीक है, एक्सोस्फीयर। तो 5 लेयर्स जो होती हैं वायुमंडल में प्रजेंट होती हैं ना, ये अलग अलग ऊंचाइयों पर प्रेजेंट होती है, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली जो परत होती है शोभ मंडल, कौन सी होती? शोभ मंडल, यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है, तो आप जानते हो, जिसकी ऊंचाई ध्रुव पर 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर। ध्रुव पर कितनी होती है? 8, और भूमध्य रेखा पर 18। सभी वायुमंडलीय मौसमी घटनाएं इसी मंडल में होती है। कभी कभी ये पूछा जाता है कि जो वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं कौन सी परत या कौन से स्तर में होती हैं, तो आपको याद रखना है शोभ मंडल। ठीक है, संपूर्ण वायुमंडल का 80% द्रव्यमान इसी मंडल में उपस्थित होता है। ये भी IMP है,
कि 80% भाग जो होता है शोभ मंडल में होता है। वायुमंडल का लगभग 50% द्रव्यमान तो 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही सीमित मिलता है। ठीक है, लगभग 50% द्रव्यमान कहाँ पर हो जाता है, 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक, जो मुख्यतः नाइट्रोजन ऑक्सीजन और कुछ अन्य गैसों से मिलकर बनता है। ये जो 50% भाग है ये किससे बना होता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और अन्य गैसों से। आगे देखते अपन, वायुमंडल की लगभग संपूर्ण जलवाष्प शोभ मंडल में ही पाई जाती है। जो जलवाष्प होती हैं वो कहाँ होती है, शोभ मंडल। इसी कारण यहाँ मौसमी घटनाएं होती हैं। शोभ मंडल के निचले स्तर से ऊपर जाने पर 6.50 किलोमीटर की ऊंचाई की दर से तापमान घटता जाता है ना। शोभ मंडल की में नीचे से ऊपर जाएंगे अपन तो क्या होगा, प्रत्येक 6.5 किलोमीटर क्या होगा, तापमान घटता जाएगा। इसकी सबसे ऊपरी सीमा शोभ सीमा या ट्रोपोपास कहलाती है। ठीक है, सबसे ऊपरी सीमा ट्रोपोपास कहलाती है। आगे देखते अपन समताप मंडल। ठीक है, यह वायुमंडल की दूसरी सबसे निचली परत है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई लगभग 12 से 50 किलोमीटर होती है। ये कितना होता है, 12 से 50 किलोमीटर। ठीक है, ये याद रखना। ओजोन परत इसी मंडल की ऊपरी सीमा पर पाई जाती है। ठीक है, जो पराबैंगनी किरणों का अवशोषण, ये पूछा जाता है कि ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है, तो आपको बताना है कि समताप मंडल में जो ऊपरी सीमा होती है वहाँ पर ओजोन पाई जाती है, जो पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। जो पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है, समताप मंडल में तापमान लगभग समान रहता है ना, इसमें तापमान समान रहता है, इसी कारण इसका नाम समताप मंडल रखा है। लेकिन ऊंचाई बढ़ने के साथ इसका तापमान बढ़ने लगता है, जिसका कारण पराबैंगनी किरणों का ओजोन परत द्वारा अवशोषण। जैसे जैसे अपन ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान बढ़ेगा, क्योंकि जो ओजोन होती है उसके द्वारा पराबैंगनी किरणों के अवशोषण के कारण है ना। वायुमंडलीय मौसमी घटना इस मंडल में घटित नहीं होती। ठीक है, कोई भी वायुमंडलीय घटनाएँ समताप मंडल में घटित नहीं होती। इसकी सबसे ऊपरी सीमा समताप सीमा या स्ट्रेटोपास कहलाती है। क्या कहलाती है, समताप सीमा। बहुत आईएमपी लाइन है, ये भी देखना। वायुमंडल की वायुयान की उड़ाई है तो यह मंडल सबसे अधिक उपयुक्त होता है। ठीक है, ये भी पूछा गया है कि वायुयान की उड़ाई तो सबसे उपयुक्त कौन सा मंडल होता है, तो आपको याद रखना है समताप मंडल। कौन सा, समताप मंडल। ठीक है, आगे देखिए मध्य मंडल। ठीक है, यह वायुमंडल की तीसरी सबसे निचली और समताप मंडल के ऊपर स्थित परत, जिसकी ऊंचाई लगभग 50 से 80 किलोमीटर है। ठीक है, यह तीसरी सबसे निचली और समताप मंडल के ऊपर स्थित होती है, जिसकी ऊंचाई कितनी, 50 से 80 किलोमीटर। शोभ मंडल में नीचे से ऊपर जाने पर तापमान घटता जाता है। जैसे ही शोभ मंडल में अपन नीचे से ऊपर जाएं तो क्या होगा, तापमान घटता जाता है। मध्य मंडल में सबसे ऊपरी सीमा पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है। मध्य मंडल जो है उसकी ऊपरी सीमा सबसे ठंडा स्थान, जहाँ औसत तापमान -85 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, -85। अंतरिक्ष से वायुमंडल, आगे देखिए, अंतरिक्ष से वायुमंडल में प्रवेश करने पर लगभग सभी उल्कापिंड इसी परत में आकर जल जाते हैं। ठीक है, जो उल्कापिंड अंतरिक्ष से आते हैं, ठीक है, वो उल्कापिंड इसी मध्य मंडल में आकर जल जाते हैं। जैसे वायुमंडल में प्रवेश करते हो तो मध्य मंडल में आकर जलने लगती है, जल जाते हैं। ठीक है, देखिए तापमंडल, यह मध्यमंडल के ऊपर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 80 से 700 किलोमीटर होती है। मध्यमंडल के ऊपर जो परत होती है उसकी ऊंचाई 80 से 700। तापमंडल के नीचे से ऊपर जाने पर तापमान बढ़ता है। ठीक है, नीचे से ऊपर, इसकी ऊंचाई सबसे ऊपरी सीमा ताप स्मेयर कहलाती है, थर्मोपॉस। ठीक है, सबसे ऊपरी सीमा क्या कहलाती है, ताप सीमा या थर्मोपॉस। तापमंडल की निचली परत, जो निचली परत होती है ना, 80 से 150 किलोमीटर, 550 किलोमीटर आयन मंडल कहलाती है, क्योंकि यह परत सौरिक विकिरण द्वारा निर्गत हो जाती है ना। जो 80 से 550 तक का जो भाग है वो आयन मंडल कहलाती है, क्योंकि सौर विकिरण जो होते हैं उनके द्वारा निर्गत हो जाते हैं। आगे देखो, आयन मंडल पूरी तरह से बादल व जलवाष्प विहीन होती है। इस आयन मंडल में क्या होता है, बादल और जलवाष्प नहीं पाया जाता। आयन मंडल में से ही रेडियो तरंग परावर्तित होकर वापस पृथ्वी की ओर लौटती है, रेडियो टेलीविजन आदि संचार के लिए संभव बनाती है।
ठीक है, संचार उपग्रह इसी मंडल में स्थित होते हैं। जो संचार उपग्रह होते हैं ना, वो संचार उपग्रह आयन मंडल में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश और दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश की घटनाएं ताप मंडल में होती है। कहाँ पर होती है? ताप मंडल में। लास्ट परत है बाह्य मंडल। ठीक है, यह ताप मंडल की सबसे ऊपरी परत, ऊपर स्थित परत होती है ना, जिसकी ऊंचाई कितनी होती है? 700 से 1000 किलोमीटर तक। कितनी होती है? 10000 किलोमीटर। यह वायुमंडल की सबसे बाहरी परत होती है, जो अंततः अंतरिक्ष में जाकर मिल जाती है। वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता होती है। जो वायुमंडल होता है उसमें हाइड्रोजन और हीलियम दोनों गैसों की प्रधानता होती है। ठीक है, धन्यवाद, और आज यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।